अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ गुड़ का शरबत। जैसे कि मैं भी मेरे तरीके से बनाने का तरीका बतला रही हूँ गुड़ का शरबत, आप लोग देख सकते हैं। एक गुड़ को भिगा के रख ली हूँ एक घंटा पहले, फिर इसको छान ली हूँ मैं। इसमें बादाम, काजू, चिरौंजी है, इसको भी अच्छी तरीके से धो के साफ करके रख ली हूँ। ये ऊद है, ये कोलसा सिलगा ली हूँ। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, झटपट बन जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। ये भगोना ले ली हूँ मैं भगोने में बनाने का तरीका बतला रही हूँ। अब मैं भगोने को धुआं दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं ऊद डाल रही हूँ उद्दान में। अब मैं भगोने को ऐसा होंदा करके पूरा धुआं ले लूँगी, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ऊद की बहुत अच्छी खुशबू आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, भगोने में मैं धुआं अच्छी तरीके से दे ली हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, मैं गुड़ का पानी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें बादाम काजू चिरौंजी डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये मैं गुड़ का शरबत कितना झटपट बनाई हूँ, आसान तरीके से बनाई हूँ। चलिए मैं आप लोगों को चखे बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये था मेरा मुहर्रम में बनाने वाला गुड़ का शरबत। क्या खुशबू आ रही है मेरे शरबत की। अब मैं आप लोगों को चखके बतलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यम्मी 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 बना है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।